यार थोड़ा यार। अभी हम खड़े लुधियाना के बहुत फेमस वानी बिल्डिंग शॉप में, और यहाँ मिलते लुधियाना की बहुत फेमस चाप। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे सीधे आपको चाप दिखाते हैं। चलो फिर मेरे पीछे आप देख रहे हो डिस्टा चाप वाले हैं, बहुत फेमस चाप हैं इनकी लुधियाना में। चार पांच तरह की वैरायटी है, पनीर टिक्का भी है, आइटम्स बहुत सारी हैं। तो चलो देखते फिर इनका आखिरकार स्वाद है कैसा। सर आप ही ओनर हैं यहाँ के? हाँ जी ठीक है। किस नाम से सर अपनी शॉप है? डिस्टा सोया चाप। डिस्टा सोया, तो आपका नाम क्या सर? मेरा नाम दीपक है, मेरे नाम से ही डिस्टा लिखा है। अरे डिस्टा, हाँ आप ही वो स्टार हो जी जी। डील है ठीक है सर। तो सर चाप कौन कौन सी होती है? चाप मेरे पास मिलाई होती है, गार्लिक होती है, मसाला होती है, अफगानी होती है, लेमन होती है, पनीर टिक्का, और उसके अलावा ग्रेवी चाप, जरमली। तो बेसिक बात ये समझ आई है भैया से बात करके, जितनी दुनिया में चाप आती है ना सारी इनके पास है अवेलेबल। तो ऐसे करो सर, आपने एक मलाई चाप एक मसाला चाप दोनों कर दो हाफ हाफ में। ठीक अब ये चेक करो, दीपक भैया ने सेटअप किया हुआ है बारबी के अपना बाहर, और ये नीचे कोयला उसके ऊपर चाप लग रही है बिल्कुल स्लो हीट पे। इससे होगा क्या, इसमें ना कोयले का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा, कोल का अच्छा फ्लेवर आएगा। लो जी होगी थोड़ी चाप रेडी। होगी सर दोनों जी? कटिंग हो गया है ना जी, जो ब्लैक पार्ट है वो उतर जाएगा। ये जो ब्लैक पार्ट है सर क्रिस्प है, ये इस पर कोई दिक्कत बाजी नहीं। ओके क्या बात, ये हाफ प्लेट है ना सर? जी बहुत क्या भाई, स्पाइसी करनी मसाला? स्पाइसी करनी है नॉर्मल जी, स्पाइसी करने या मिर्च पाई है? ठीक है सर, स्पाइसी आ गया तो मिर्च मसाला आएगा। ओके चाट मसाला बहुत अमूल क्रीम आ गई जी, अमूल और चंगी क्वांटिटी ची आ गई जी। मलाई चाप भी सर कैसी चीज़ है ना, जो मिलती हर जगह पे, बट आर्ट किसे किसे को ना बनांदा कि सही चाप कितना बनती है, तरीका किसे किसे को बिल्कुल। भैया जी मैरिनेशन नु कितना टाइम लगता थोनू? मैरिनेशन नु भाई हुन 12 बजे लगदे हैं सवेरे। ओके ठीक है, उस तो बाद 4 बजे तक लगी रही था बनान नु सारीयां चंपा मैरिनेशन। 12 से 4 मतलब लगभग 4 घंटे मैरिनेट रहंदी है सारे। हां सारी चीजें मैरिनेट होंदी हैं। सही है, ये थोड़ी स्पाइसी रहेगी ना, ये स्पाइसी करन नु भाई ये मिक्स मसाला मिर्च दा। ठीक है ठीक है भाई, ये चाट मसाला हो गया, चाट मसाला आ गया थोड़े टेस्ट के लिए, ये तंदूरी फ्लेवर हो गया, तंदूरी सॉस आ गया, ये तो अपनी बनी है जो। हां जी जो तनु ये मतलब खट्टा नींबू का भी फ्लेवर दोगा भी। ओके थोड़ी खटास तो रही, थोड़ा क्रीम आ गई, बैरी क्रीम आ गई, आ गया अमूल बटर आ गया। अब ये देखो ये बाउल अपना गरम कोयले के ऊपर आ जाता है कि चाप और अच्छे से पक जाए प्रॉपर, जो मसाले भी ये डाले बाद में वो अच्छे से अंदर चले जाते हैं। एक और चीज़ जो आपने देखी होगी भैया, थोड़े हीट प्रूफ हो गए हैं काम कर करके, ये बाउल हाथ से उठा लेते हैं गर्म कोयले के ऊपर से। फाइनली मसाला चाप भी रेडी हो गई है बिल्कुल, 5 बजे के बाद जब से गवर्नमेंट की टाइमिंग जो भी रहेगी वो सब तक अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गई है जी मसाला चाप, बिल्कुल बटर अंदर तक है, मसाला अंदर तक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी है। जो लुधियाना में सब कहते ना कि नंबर वन चाप यहाँ की है, वो यूँ ही नहीं कहते, चाप में बात भी है कोई। तो आओ फटाफट फिर चेक करते हैं इकट्ठे, थोड़ा बड़ा बनाते हैं बाइट को। चाप बनाना भी जैसे मैंने बता रहा था ना भैया को, एक एक्चुअल में आर्ट है, क्योंकि ये हर कोई नहीं बना सकता परफेक्ट, इसमें बड़ी सही कुकिंग की ज़रूरत होती है। दीपक भाजी एक्चुअल जो तुम जो डी स्टार लिखवाया तो दीपक स्टार ही है, चाप का एक्चुअल स्टार है भाई, बहुत ही सही। मैं ये कह रहा था भाजी को कि एक्चुअल में जो डी स्टार नाम है ना, दीपक भाजी का नाम है और दुकान का नाम है डी स्टार, तो बिल्कुल सही है, चाप इनकी वाकई में यार एक स्टार है।
अब अगर आप खाते हो ना आपको समझ आएगा इसके ना जो मसाले हैं वो जो फ्लेवर है अंदर तक है चाँप की, ये नहीं है कि आउटर लेयर में फ्लेवर है अंदर से चाँप फिक्की है, प्रॉपर अंदर तक फ्लेवर है। और ये हमने लिया हाफ प्लेट, हाफ प्लेट है 80 रुपीज़ की, फुल है 160 की। और अभी जो नेक्स्ट चाँप है वो इससे भी बाकमाल होने वाली है क्योंकि वो यहाँ का ट्रेडमार्क है, तो कार्तिक फटाफट खा के आपको बताएगा कैसी है। तो अभी मेरे हाथ में मलाई चाँप की प्लेट है, तो प्राइस 80 रुपीज़ हाफ प्लेट, दिस इज़ द क्वांटिटी, आपको दिख रही होगी पहली क्वांटिटी, दिखाओ उनको। तो दैट्स हैव अ फर्स्ट बाइट, एक बाइट और फिर मैं बताता हूँ। वेरी क्रीमी, वेरी स्मूथ और अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रंची जैसी होनी चाहिए। 10/10 मेरी तरफ से नंबर पूरे पूरे हैं। एक बार ये देखो प्लेट, सो स्मूथ एंड सो क्रीमी है। तो इस वक्त अभी हम खड़े हैं सुबहानी बिल्डिंग चौक में, इधर देखो चौक है यहाँ पे, और पीछे है मेरे चाँप के स्टार, डी स्टार चाँप दीपक भैया। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना, उससे होगा क्या, उससे होगा कि हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आप जैसे और अच्छे अच्छे परिवार वाले हमें और मिलेंगे और हमारी YouTube फैमिली बड़ी हो जाएगी, बड़ी हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी, इतनी बड़ी। तो वीडियो देखो, एंजॉय करो, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। भाई अब तो बंद कर दे बस, अब तो पर्सनल टाइम है, खाना नहीं है हमको। मलाई चाप गाइस बहुत ही शानदार। तो अगर आप देख ही रहे हो मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और भी बहुत सारी वीडियोज है सारी देखो, बहुत अच्छा अच्छा खाना दिखाया हुआ हमने। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार, बाय, ध्यान रखो अपना। कोक लेनी, कोक कोक।